हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं आपके सामने एक और नया जो हमने देखा बैठ के जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पूरे सोशल नेटवर्क में काफी टाइम से डिस्कस कर रही थी, मिर्जापुर सीजन 2 अल्टीमेट। सब लोग वेट कर रहे थे सर, सब बहुत लोग बढ़िया। वेट। और आप सोचिए कि मैंने उन एक्टर्स के इंटरव्यू भी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन एक्टर्स के इंटरव्यू भी हमने देखे यूट्यूब पे, तो वो ये कह रहे थे कि लोगों ने उनको भूलने नहीं दिया। वो करेक्टर जो उन्होंने दिया, जो गुड्डू का करेक्टर था, जो मुन्ना का करेक्टर बहुत था, जो मुन्ना का करेक्टर था कालीन और भैया का करेक्टर त्रिपाठी था, खानदान पूरा। हाँ जो कालीन भैया का करेक्टर था, तो मतलब आप सोचिए कि वो लोगों ने कहा कि हमें लोग भूलने नहीं दिया। और हम कभी मार्केट जाते थे, कोई हमें देख लेता था तो बोलता था कालीन भैया, मतलब पंकज त्रिपाठी जी ने बोला भैया मेरा नाम कालीन भैया नहीं है, कहता नहीं आपको वही सूट करता है, आप कालीन भैया ही रहे। तो कहता कि, और उसके बाद मिर्जापुर की शूटिंग इतने टाइम बाद सेकंड सीजन शुरू होना, तो उनको ये वो कह रहे थे कि उनको जरा टाइम नहीं लगा इस चीज को समझने में कि उन्होंने सीजन 1 में क्या किया था और सीजन 2 में उनको वापस से कैसे करना, क्योंकि लोगों ने उनको उस कलेक्टर से बाहर नहीं निकलने दिया। पर भाई क्या धोया है विद मिर्जापुर सीजन 2, आग लगा दी है, फाड़ दी है। और जिन्होंने नहीं देखा है अभी जाओ और देखो अमेजोन प्राइम पे मिर्जापुर 2। पर एक चीज ध्यान रखना, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि नहीं देख गालियों की सकते। यस, भरमार है। भरमार, एक्चुअल भरमार है। डायलॉग कम गालियां ज्यादा, लेकिन वो जो गालियां, जो वो जो स्पेशल, जो देवेंदु के बारे में बात करेंगे, ओ अल्टीमेट अल्टीमेट। ऑसम ऑसम। अरे उनके मुंह से तो गजब, उनका फ्लो जो है बोलने का, क्या बहुत ही फ्लो है बढ़िया, उनका, वो ऐसी बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया वो। हम बीच में एक और एक पर्टिकुलर सीन है जो आपको, मेरे को बहुत पसंद आया, उसके बारे डिस्कस करेंगे। खैर लोगों बताइए। यस हाँ यस जी यस जी बताइए। जी जी रजत। और हालांकि बीच बीच में मुझे रजत, ये सब खैर बहुत बढ़िया था, ये सीजन बहुत अच्छा है, लेकिन हालांकि बीच में मुझे कई बार पर्सनली ऐसा लगा कि क्या 10 एपिसोड्स की जरूरत थी। थोड़ा सा इसको हालांकि शॉर्ट भी कर सकते थे, बट ओवरऑल अब मैं कहना चाहूंगा, जब अंत भला तो सब भला, एंड बहुत बढ़िया है, आप देखें मजा आएगा। और ऑब्वियसली साफ दिखता है कि थर्ड जो है सीजन का रास्ता साफ है, तो लेट्स सी क्या होता है, इसके मेकर्स आगे क्या करते हैं। जी अच्छा, इस बार मिर्जापुर का किंग बनने में कौन कौन है, कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे अपने रंग दिखाएगा, मजा आएगा इसको देखने में। खुशी की बात यह है कि सेक्रेट गेम की तरह सीजन 2 ने आपको निराश नहीं किया, यानी कि उसका बॉम्ब फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने फिर नहीं भी उतर उसको, पाया था ये। लेकिन इन्होंने इसको मेंटेन रखा। कहीं कहीं कुछ कुछ एपिसोड हैं जहां मैं बोलूंगा कि स्लो हैं। अच्छा, वो स्लो के जो रीजन है जी, जो मैंने नोटिस किया एज ए डायरेक्टर, जो मैं सब चीजें बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो मैंने क्या नोटिस किया कि जहां पे भी गुरमीत सिंह की डायरेक्शन का एपिसोड्स आते थे, ठीक है, हाँ, वहां वो तो बहुत फास्ट पेस और वो बहुत। फास्ट यस पेस होता था, उसमें एक्शन जबरदस्त होता था, और एक्शन भी ऐसा कि आपको मतलब दिल दिला दे, वो शॉकिंग और मूवमेंट दे दे। लेकिन जहां पे मीर कुछ की, सीन्स। हाँ हाँ जहां पे मीर की डायरेक्शन आती थी, ठीक है, वहां वो ऐसा लगता था जैसे वो थोड़ा सा एक फैमिली ओरिएंटेड, और मतलब वो एक ना टचअप थोड़ा सा कम हो जाता था मिर्जापुर का, लेकिन गुरमीत ने उस रिदम को ना मेंटेन रखा, लेकिन नो डाउट यस यस मजा आ गया। रजत, इसमें परफॉर्मेंसेस की बात हम लोग भी करना चाहेंगे, ऑडियंस को बताते हैं कि खैर सब जानते हैं कि इसमें कौन कौन मेन एक्टर्स हैं और कौन कौन का इसमें क्या क्या रोल है। फिर तो भी हम आपको बताते हैं कि पंकज त्रिपाठी इसमें, अली फजल, देवेंदु शर्मा, उनके साथ में कुलभूषण करवंदा जी, फिर रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, राजेश तेलांग, ईशा तलवार। देखिए कितनी एनसेंबल कास्ट है, और तभी आप इस तरह की चीज देखते हैं तो आपको मजा भी आता है। अमित अमित सियाल, ओ प्रियांशु पेन्यूली, उनका इस अब नए सीजन में साथ दिया लिलकुट जी ने, जो बहुत ही मार्वलस एक्टर है। विजय वर्मा और खैर और भी अदर्स, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया स्टार कास्ट को लिया उन्होंने। और स्टार कास्ट के साथ में जो जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, एक्चुअल एक्टिंग करना जानते हैं, वो इसमें थे, और मजा आता है आपको देख के। लेकिन रजत और मेरे, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, पर्सनल फेवरेट जो पूरे मिर्जापुर में जिन्होंने एक्चुअल में आग लगा दी, वो है देवेंदु शर्मा। ओ मुन्ना त्रिपाठी गाइस, मतलब छा गए वो, और मैं अरे क्या छा बताऊं, और गए छा गए। मैं आपको इंटरप्ट बहुत कर रहा हूँ बढ़िया। जीत, वो आपको सीन याद होगा, एक कहते चलो लेट्स सेलिब्रेट और उनको वाइन पिलाना यस यस सिखाते हैं, वो जो देवेंदु ने क्या उसको मतलब क्या तरीके से उसको उठाया उस सीन को, क्या
बिल्कुल बिल्कुल, वो और आप क्या वो बोला शॉट, उन्होंने गाइस, हाँ वो मजा शॉट, आया। मतलब कहते हैं कि भैया वाइन का ग्लास पहले भरो, फिर उसको हिलाओ, फिर उसको सूंघो और फिर पियो। कहते हैं अबे चल हगा यहाँ से, ड्यूडेंट पिला रहे हो क्या एक बार में घटा बहुत वो बढ़िया, बीच ऐसे में, कई बीच सीन्स है गाइस इसमें, हाँ बीच में वो गाली बहुत बढ़िया देते हैं सीन। लेकिन मैं गाली नहीं दे सकता वाह, लेकिन अल्टीमेट मजा आ गया उसको उस सीन को देख के। नहीं बहुत मार्वलेस लगे हैं वो, और मुझे तो मिर्जापुर के अंदर देवेंदु शर्मा का जो रोल है, जो उनका कैरेक्टराइजेशन है, वो गाइस सबसे सॉलिड कैरेक्टर लगा। और भी नो डाउट बहुत है इसमें, आपको कुलभूषण खरबंदा जी का कैरेक्टर अरे का भी जो डेवलपमेंट इसमें दिखा है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उन्होंने अपना रोल को प्ले किया है, वो आप देखिए ऐसा आपको पता चलेगा। और उनके कैरेक्टर के रंग देखकर आप गाइस आप हैरान हो जाएंगे सीरियसली। जी रजत और बताएं कुछ। अच्छा, फाइट सीन्स की इस बार ज्यादा नहीं है पर बीच बीच में हैं जो आपको शॉक देंगे, ठीक है। और अच्छा, गालियां पहले की तरह भरपूर हैं, मतलब डायलॉग कम गालियां ज्यादा हैं, जहां लगा कि डायलॉग राइटर कहीं वीक हो गया है या वो लगा कि नहीं चलो गाली घुसा दो, ठीक गाली है। हाँ गाली डाल दो, बहुत बढ़िया है किंग। अच्छा, इस बार बिहार के जो जो किंग दद्दा त्यागी है, जो लिलीपुट फारूकी जी ने जो काम किया है, वो उनकी एंट्री होती है और वो मतलब क्या दिमाग लगाया है। अच्छा, डायरेक्टर ने बड़ा सा सीन दिखाया है और ये चीज अली फैजल ने भी इसमें बोली है कि वो क्या करते हैं जब किसी को अपने ऑफिस लेके जाते हैं तो उन्होंने चौखट जो है अपनी नीचे रखी हुई है, मतलब नॉर्मल चौखट जो है 6 फीट की होती है, उन्होंने 4.5 या 4 फीट की चौखट रखी है जो उनके लिए हो और बाकी लोगों के हिसाब से नहीं। तो अली फैजल उसमें यही बात कहते हैं कि ना तो तुम हमें झुकाओ ना हम तुम्हें झुकाएंगे, अगर हम बिजनेस करने आए हैं तो हमसे फेस टू फेस बिजनेस करो, तो बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऑफिस में नहीं घुसूंगा मैं। तो ये चीज एक बड़ी वो थी। नहीं और बहुत बढ़िया इसमें दिखाया है। और इसमें गाइस इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि शो मतलब आप देखें इस जो सीजन में इस बार जो है फीमेल्स का रोल भी बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा दमदार है। चाहे वो गोलू कैरेक्टर जो इसमें सब जानते हैं गोलू कैरेक्टर हो, चाहे वो बदला लेती बीना, जो बीना त्रिपाठी इसमें जो उनकी वाइफ बनी है जो जिसमें पंकज त्रिपाठी वो रसिका हो, दुग्गल, चाहे रसिका दुग्गल जो है, चाहे एम्बिशियस माधुरी यादव का रोल जो इसमें प्ले कर रही है, या फिर बीना के घर में जो काम करने वाली बताई है इसमें हेल्पर वो हो, मतलब फीमेल्स का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें लगा। और सबका रोल बहुत ही ज्यादा दमदार है। शो का एक ही सूत्रधार है मैं कहना चाहूंगा, वो है बदले की भावना। पूरा शो बदले की भावना पे टिका हुआ है, चाहे वो गुड्डू बदले हो, चाहे बदले वो की गोलू भावना, मुन्ना, पॉलिटिक्स बदले बदले की भावना एंड पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया इसमें दिखाया है आप देखें। अच्छा गुड्डू गोलू मुन्ना मैंने आपको बताया, उनके साथ में जौनपुर का शरद शुक्ला और या फिर पुलिसमैन मौर्य जी जो अमित सियाल इसमें बने हैं। खैर पूरे सीजन में लोग बदले की भावना को लेकर चल रहे हैं, क्या होता है, कैसे प्रेजेंटेशन है, क्या एंड है, देखिए आप। जी अच्छा, इसमें एक चीज हम लोगों को ऐड कर देते हैं जो बता दे रहे हैं। इसमें एक पर्टिकुलर आपने एक शॉट देखा होगा जो लोगों ने ट्रेलर में भी देखा है कि अली फैजल की नाई से लड़ाई होती है, ठीक है, जो आपने नाई देखा है वो नाई जो है ही इज ए वेरी गुड एंड टैलेंटेड एक्टर, उसका नाम है अली कुली मिर्जा। और ये अली कुली मिर्जा वो हैं जो बिग बॉस के सीजन में भी आ चुके हैं और जिन्होंने बिग बॉस जो है मतलब ये कह लीजिए इतना जीतने की कगार पे थे, सिर्फ छोड़ा सा कि भैया मुझे पैसे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए मैं छोड़ देना क्योंकि क्या पता मैं हार जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे काफी लोग थे उनके उसमें, तो वो तीसरे कंटेस्टेंट थे अली कुली मिर्जा। अली कुली मिर्जा ने भी इसमें जो नाई का जो करेक्टर किया है, तो एक अपने आप में एक गैंग चलाता है, नाई होके गैंग छोटा सा चलाता रोल है लेकिन वो बहुत सॉलिड कैरेक्टर है। है और पावरफुल करेक्टर है उनका, और अली के साथ में उनके जो फाइट सीन है बहुत बढ़िया है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मजा जो आपको आएगा वो आएगा देवेंदु शर्मा के साथ, मतलब आप सोचिए कि वो इंसान का जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कहाँ बहुत उनकी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो उनकी पहली फिल्म आई थी आई थिंक प्यार का पंचनामा कह रहे हैं आप। प्यार का पंचनामा, उस प्यार के पंचनामे में भी उसी वही बंदा ऐसा था जिसने सबको पकड़ के रखा हुआ था अपने डायलॉग डिलीवरी से और जो उनका बोलने का वो जो तरीका था। अच्छा, वो तरीका इन्होंने इसमें भी कंटिन्यू रखा है और बीच बीच में एक ह्यूमर हम कह सकते हैं कि आपको उनके बोलने के तरीके में उनको आ तो उनको गुस्सा आ रहा है, दे तो वो गालियां रहे हैं लेकिन आपको हंसी आएगी ये एक अपने आप में था, ठीक है। वो उनका स्टाइल है खैर। और वो अपने करेक्टर को बड़े ही अभिमान के साथ में जीते हैं नजर आएंगे। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग डायरेक्शन गुरमीत सिंह माइंड ब्लोइंग ऑसम, माइंड कोई बहुत बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया। नहीं है, कैनवास बहुत लार्जर देन लाइफ रखा है,
ड्रोन शॉट बहुत अच्छे तरीके से लिए, जिमी जीप शॉट बहुत अच्छे थे, मतलब हर तरह से कैमरा एंगल्स को लेना किले के अंदर के एंट्री शॉट। इसमें एक अनिल जॉर्ज हैं, जो अनिल जॉर्ज वो हैं जिनकी पहली फिल्म आपने मर्दानी देखी होगी। मर्दानी के अंदर जो वो नेगेटिव कैरेक्टर जो जिसने लगाया था, उसके साथ में एक बंदा होता है जो दोनों मिलकर पार्टनरशिप में करते हैं, जो एंड में जाके सिम खा लेता है, तो ये अनिल जॉर्ज वहीं से एंट्री वहीं से हुई थी। और ये बहुत अच्छे एक्टर, इसके अंदर उन्होंने लाला का कैरेक्टर किया है जो जाता है कि मैं अफीम तुमसे बेचूंगा, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जैसे गुरमीत और पुनीत कृष्णा और मीर देसाई, इन तीनों ने मतलब ये कह लीजिए बहुत अच्छे तरीके से उसको मतलब बनाया है। बस थोड़ा थोड़ा सा बीच में जो है ना कुछ एपिसोड्स ऐसे थे कि ये कह लीजिए थोड़ा सा वो फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा में कन्वर्ट हो जाता था और थोड़ा सा स्लो हो जाता था, तो कुछ ऐसी चीजें थी थोड़ी सी मतलब ना मिर्जापुर से हल्का सा चेंज कर देती थी। लेकिन जो बीच में जो पॉलिटिक्स टर्न मारता है और जो वो बहू का शॉट है जो नहीं है, और मतलब अब ये हम ज़्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे, इसको आपको देखना है तो आप ज़रूर देखिए। एंड इन तीनों ने गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा एंड मीर देसाई डन देयर जॉब एक्सीलेंटली वेल डन गाइस, मज़ार मार्वलस जॉब गाइस, मार्वलस, बहुत बढ़िया गाइस, आप देखें बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। मतलब मैं हम लोग तो बस एक ही बार कहना चाहेंगे भोपाल, एक्चुअल में भोपाल भोपाल आप देखिए मजा आएगा। सीजन थ्री या सीजन थ्री का एंड छोड़ा है गाइस इन्होंने, आपको एंड पता चलेगा, आप देखें और प्लीज हमें बताइएगा। राइट, टिल देन गुड बाय, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कंटेंट को देखें और सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें। ओके बाय, ओके गाइस बाय, टेक केयर।